ना वीरा ना पुत्र, डरते नहीं है? देख आंखें खोल, आंखें खोल के देख, तेरा वीर जी यहाँ पर खड़ा है, तेरी बीजी है, तेरी मोटी चाय जी है, हाँ मेरे बच्चे सब लोग हैं। देख पिंड के सारे लोग आए हैं ये देखने के लिए कि वीरा ठीक है ना। आंखें खोल, ना पुत्र ना, डरते नहीं पुत्र, हम सब हैं ना यहाँ पर। चाचू मेरी मियाँ में क्यों हो गया, वो इतना चुप चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे, वो ठीक तो हो जाएगी ना, कुछ नहीं होगा उसे। अंदर एक बात बता मैनू, तेरी वीरा कितने साल की है? 5 साल की है वो। 5 साल की है, बहुत छोटी है वो। तू मैनू एक बात बता, इन 5 सालों में तूने कभी अपनी वीरा को रात में अकेले छोड़ा? एक बार नहीं। पुत्र कल वो पूरा दिन, लगभग पूरी रात उस कमरे में बंद रही, डर तो लगेगा ही ना उसे। रणवीर पुत्र उससे एक बात कहनी, वीरा कल उस कमरे से नहीं या उस कमरे में रखी हुई चीजों से नहीं डरी थी, बल्कि वो इस बात से डर गई थी कि उसके वीर जी उसके साथ नहीं, तो उसका सब कुछ है, उसकी माँ, उसका भाई, उसका रक्षक। मीरा को भरोसा है कि जब तक उसके वीर जी उसके साथ है ना, उसे कुछ नहीं हो सकता। पर कल तो उसके वीर जी उसके साथ थे नहीं, तो इसलिए वीरा डर गई। मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका ख्याल रखना चाहिए था। अब अगर तू चाहता है कि तेरी वीरा का डर भाग जाए, तो तुझे हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अगर तू कमजोर पड़ गया तो उसकी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी, तो तेरी वीरा का विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। और पुत्र अगर तूने हौसला रखा ना, तो तेरी वीरा की हंसी, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज तीनों वापस लौट आएगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब कमजोर नहीं पड़ेगा, रोएगा नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी वीरा के सामने बहादुर बनकर रहूंगा। शाबाश पुत्र, चल आजा। निहाल चाचू, तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अच्छा। मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। हाय रब्बा, बच्ची सुबह से घर से गायब थी और इनको पता तक नहीं चला। सच्ची कह रही है, अरे अपना खून हो तो पता चले ना। और अपनी वीरा तो 5 साल हो गए, अरे 5 साल में दुश्मन भी घर में रहे तो उससे भी लगाव हो जाता है। अरे ये तो बेचारी मासूम सी बच्ची है रतन्ना, अब तक जोड़ ना पाए इस बच्ची से अपने आप को। अगर यही बात रणवीर के साथ होती तो क्या रतन को पता नहीं चलता? अरे वीरा, तूने तो कमाल कर दिया। मुड़िया जी, मेरी वीरा ने आपको हरा दिया। कैसे? मेरी वीरा ने कहा था ना कि वो वीर जी लिखना सीखेगी और आपको दिखाएगी। मेरी वीरा ने मेरा नाम लिखना सीख लिया। मैंने खुद देखा है, उस स्कूल की दीवार पे वीर जी लिखा था। मैं जाया ना मुड़िया जी, आपने मेरी वीरा ने चुनौती दी थी ना, मेरी वीरा ने आपको हरा दिया। ओए चल चल, बढ़िया ही तेरी वीरा हराने वाली मेरे को। छोटे चंद झूठ मत बोल, वीरा की तरफदारी कर रहा है। इसे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ सीखा ही नहीं इसने। अरे आता है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो पर ठीक है, बोल अपनी वीरा को कि तेरा नाम लिखकर बताए मेरे को। हाँ हाँ, लिख के दिखाएगी ना। ये ले वीरा, लिख के दिखा वीर जी। अरे बाप, तूने झूठ बोलना सिखा दिया छोटे चंद को। नहीं नहीं चाची, मैंने भी देखा है, वीरा ने स्कूल की दीवार पे वीर जी लिखा था। सही बोल रहा है ये। अच्छा तो फिर ठीक है, चल जी चढ़ी लिख कर बता। वीरा लिख के दिखा देना अपने मोटी चाय जी को।
सत्यानाश उस टीचर का, हमारी बच्ची की ये हालत कर दी। सरपंच जी आ गए। यही है वो टीचर। मैनू माफ कर दो रब दी सो, वीरा नु भंडार घर से निकालना भूल गई। भूल गई? एक बच्ची नु भंडार घर में बंद करके भूल गई आप? वाह, अब अपने आप नु औरत कहती, एक बच्ची की तरफ ऐसी लापरवाही दिखाई आपने। और ये अब याद आ रहा है आपको? अब इतने घंटों के बाद, जब वो बच्ची पूरा दिन इतनी रात तक उस भंडार घर में बंद रह चुकी है, और अब याद आ रहा है आपको? जाओ जरा देखो उसकी हालत, देखो क्या हो रखी है। छोटी सी बच्ची है वो, मान लो कि उसे गलती हो भी गई तो क्या उस गलती की ये सजा थी कि आप उसको कमरे में बंद रखो और भूल जाओ? कमरे में क्या मरने के वास्ते छोड़ा था उसे वहां? अगर अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती है? हाँ, कहां से लाकर देती मेरी रणवीर ने उसकी वीरा जो उसकी जिंदगी है? अरे छोटी सी बच्ची है वो, उससे गलती हुई आपने उसको सजा भी दी। आप तो बड़े हो ना, उसकी टीचर जी हो, अब आप मैनू बताओ आपकी इस भूल की मैं क्या सजा दूं? माफ कर दूं? मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। मैं वीरा से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आपके माफी मांगने से मेरी बच्ची की जो हालत हुई है वो ठीक हो जाएगी? हर पल चहकती रहती थी वो, सवाल पूछना उसकी जिंदगी थी। आज डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। सुन पड़ गई है वो, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। जाओ जरा देखो उसकी हालत। एक बात याद रखना, अगर इस बच्ची को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी इस भूल की ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर इस दिन को कभी भूल नहीं पाओगी। जाओ, अब निकल जाओ यहां से, बस कोई सफाई नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ। इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चों के ऊपर सख्ती जरूरी है पर ऐसी बहुत बड़ी लापरवाही थी जी ये तो। हाँ जी, इस पे कोई सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए तो पंचायत बिठानी पड़ेगी, कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा इसका।
धूम धड़ाम। और फिर ना वीरा उस बहादुर लड़की तिराकड़ी ने सारे बदमाशों को डिशुम 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 करके भगा दिया। अरे मेरी मिर्ची है, देख तो मेरी मोटी चाची क्या लाई है तेरे वास्ते। मैंने बनाए हैं तेरे पसंद के गर्मा गर्म आलू के पराठे। और सुन छोटे चंद, देख मैं वीरा के वास्ते ना मक्खन भी लेकर आई हूं। चल पुत्र जल्दी से उठ जा और खाना खा ले। ये ले मक्खन और पराठा। ओए मिर्ची है, दिखा तो, देखो तेरा पेट। हाय रब्बा, छोटे चंद इसका तो टेट बिल्कुल खाली है। सवेरे से कुछ खाया नहीं ना इसने, इस वास्ते। चल हम छेती छेती ना पराठा और मक्खन खा ले। चल पुत्र जल्दी से खा ले, उठ जा खाना पुत्र। मैं खिलाता हूँ, मेरी वीरा मुझसे खाने के लिए कभी मना नहीं करती। हाँ अपने वीर जी के हाथ से तो जरूर खाएगी, मोटी चाय जी के हाथ से नहीं खाएगी। खा ले ना वीरा, वीरा खा ले। आकर आ। शाबाश वीरा, तू ऐसे आलू के पराठे खाकर उस विराकड़ी की जैसे ताकतवर विराकड़ी बन जा। छोटी चल पानी दे, यही रहा पानी पी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।